शो सिलसिला बदलते रिश्तों का में वाकई बदल गए हैं सभी रिश्ते। मौली की बेटी पर कुणाल का चल गया जादू, तभी तो वो हो चुकी है कुणाल की फैन, क्योंकि हॉस्पिटल में कुणाल ने जितने प्यार से की थी मिष्टी की केयर, उससे मिष्टी हो गई कुणाल की कायल। मिष्टी बेटा, कब से सो रहे हो आप? कितनी देर से सो रहे हो? कुंभकरण है, कुंभकरण है। चलो, you're completely all right now. मैं तुम्हें थोड़ी देर में मिलता हूँ, okay? I'll see you in a bit. Take rest. अब देखिए ना, जब मौली और ईशान आते हैं मिष्टी के पास, तो कैसे मिष्टी करती है कुणाल की जमकर तारीफ। की चोट हाँ, दर्द हो रहा है। देखो मम्मा, इनकी हालत लगता है मेरे को, मेरी मम्मी को है। अच्छा, तो मम्मी को भी उस डॉक्टर से मिलवा देते हैं। I mean, thank you बोलने के लिए तुम्हारी बेटी को सेफली रिटर्न कर दिया। Yes, mama, my dad is very good doctor. And so handsome. आपको उसे मिलने के अच्छा लगेगा। सारे टेस्ट पहुंचते हैं। बेटा, फिलहाल तो मम्मी के सारे टीयर्स हम दोनों को मिलके पहुंचने होंगे। हाथ दो। इसके बाद घर पर भी जब मौली मिष्टी को दवाई दे रही होती है, तो कड़वी दवाई को पीने से करती है इनकार। लेकिन तभी कुणाल का फोन आता है ईशान को, और वो मिष्टी को सुनाते हैं स्टोरी, जिससे वो दवाई पी लेती है। मी फ्रॉम मम्मा, कल डॉक्टर ने बड़े बड़े इंजेक्शन लगाए, वो तो लगवा दी और मुझसे दवाई भी नहीं खानी। अंकल बहुत स्मार्ट थे। अच्छा, कभी देखेंगे पता ही नहीं चला। आप तो चम्मच से तक सामने खड़े हो। अच्छा, ऐसा देख मौली भी हो जाती है डॉक्टर से काफी इम्प्रेस, और ईशान को कहती है कि वो डॉक्टर को बुलाए घर पर। अब जबकि कुणाल ने कर लिया है ईशान के इनविटेशन को एक्सेप्ट, तो क्या जल्द ही हो जाएगा कुणाल से मौली का सामना? क्या अब सीरियल में आने वाला है नया ट्विस्ट, या फिर होगा कुछ ऐसा कि कुणाल का मौली के घर आना हो जाएगा कैंसिल? इन सबसे तो यही लगता है कि शो में आने वाले हैं कई इंटरेस्टिंग मोड़।